सोलन में राष्ट्रवादी पार्टी ने सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित राणा ने की। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष लाल चंद भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अस्पतालों की दयनीय स्थिति है, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, गाँव में किसानों की फसलों को जानवर तहस नहस कर रहे हैं, शिक्षित बेरोजगारों की कतार लगातार लंबी होती जा रही है, जहां उद्योग लगे हैं वहां प्रदूषण से लोग परेशान हो रहे हैं, नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हैं, जिसकी वजह से स्थानीय जनता त्रस्त है और नेता महज वायदे कर मस्त घूम रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित राणा ने बताया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव मंडी और शिमला से लड़ने जा रही है और 2 सप्ताह के भीतर वे अपने युवा प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को पिछले 3 वर्षों से प्रभावी ढंग से उठाती आ रही है, जिसके चलते उन्हें युवाओं का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और भ्रष्टाचारी नेताओं का बोलबाला है, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में मंडी और शिमला की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। पिछले 3 वर्षों से हम लगातार हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो शिक्षित बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, जो सबसे ज़्यादा शिक्षित युवाओं का प्रदेश हिमाचल है हिंदुस्तान में। दूसरा, करप्शन फ्री स्टेट जो ये था, आज ये करप्शन के साथ लगातार जनप्रतिनिधि जो आगे बढ़े हैं, वर्तमान सांसद जो शिमला हैं उन पर भी करप्शन के आरोप हैं, लेकिन अभी तक वो प्रमाणित नहीं हो पाए हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर 70 साल की आयु के सांसद जो राष्ट्रीय पार्टियों ने दिए हैं, जो गांव तो बहुत दूर है, कस्बे तक भी जो अपनी अप्रोच नहीं बना पा रहे हैं। स्थानीय मुद्दे जो आज आपके सामने हमने रखे हैं, वो ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान यहाँ की जनता चाहती है, लेकिन उसका समाधान ना हो पा रहा है, ना ही जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँच पा रहे हैं। हमारा ये मुद्दा है कि हम युवा जनप्रतिनिधि देंगे, और जिस तरह सरकार ने न्यूनतम आयु तय की है किसी भी सांसद और विधायक को बनने के लिए, हमारी मांग है कि अधिकतम आयु भी तय होनी चाहिए और वो 60 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जनता में आक्रोश है, वो बदलाव चाहती हैं, युवा जनप्रतिनिधि चाहती हैं। हम लोगों का ये प्रयास चल रहा है, अगले 7 दिन में तय हो जाएगा नालागढ़ से शिमला सिरमौर तक, कि सभी सामाजिक संगठन मिलकर और युवाओं के साथ बात करके जो कर्मठ युवा, जुझारू युवा और जो इस जिज्ञासा के साथ काम करना चाहता है कि शिमला सीट पर मैं वर्क करूंगा, और जो किसानों की समस्याएं यहाँ पर जंगली जानवर और पशुओं को लेकर है, उसके स्थायी निदान के लिए संघर्ष में आने वाले युवा को हम इसमें प्रत्याशी के रूप में उतारेंगे।